इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या लिखा हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 इज स्मॉलर देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। सो ये इस क्या है हमारा, यहाँ पे एक कंजंक्शन मौजूद है ना, एंड मौजूद है ना, इन दोनों सेंटेंस के बीच में। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड है लेकिन एक तरीके का स्टेटमेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड मौजूद है। एंड मौजूद का मतलब क्या है, कंजंक्शन मौजूद है। ठीक है, कंजंक्शन मौजूद है और ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। इससे हम लोग क्या करेंगे, निगेशन फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो निगेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टेप वन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें के सिंपल सेंटेंसेस को निकालेंगे। ठीक है, कंजंक्शन के लेफ्ट में एक सिंपल सेंटेंस है, राइट में एक सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट पी बी द सिंपल सेंटेंस फर्स्ट वन। क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस, 11 इज स्मॉलर देन 15। और सिमिलरली राइट पार्ट को हम लोग दूसरा सेंटेंस नाम देंगे Q, विच इज इक्विवेलेंट टू 25 ग्रेटर देन 20। ओके, सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे इसका स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। द गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। पहला क्या लिखूंगा मैं, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पी मौजूद है ना, तो इसको पी लिखा। बीच में सिंबल कौन सा है, एंड का मौजूद है ना, तो सिंपल एंड लिख दिया। और राइट में क्या मौजूद है, सेकंड सिंपल सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एंड क्यू। अभी इसका निगेशन फाइंड करना है, तो सिंपल है, इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, अभी ये कैसा है, ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको रिजॉल्व सिंपल हमको दो चाहिए, ऐसा कुछ रिजॉल्व चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या रेफर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर से निगेशन के फॉर्मूले में से एंड वाला, निगेशन ऑफ कंजंक्शन में एंड वाले का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या बोलता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ से इससे रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ, अब देखो यहाँ से पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम देख सकते हैं, ये तो हम लोग या ऐसा बोल सकते हैं या तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसके निगेशन, ये तो हम लोगों ने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि निगेशन किस तरह आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो सेंटेंस है हमारा, ये जो सेंटेंस है ना हमारा कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम किस तरह लिखेंगे इसके लिए, तो इस ये हमको ही हेल्प करेगा कंपाउंड सेंटेंस लिखने के लिए। पहले क्या लिखना, कंजंक्शन कौन सा है हमारा, यहाँ पे और का है। लेफ्ट में हमारा सिंपल सेंटेंस क्या है, निगेशन पी, हमारा पी स्टेटमेंट क्या है, 11 इज स्मॉलर देन 15। इसका अपोजिट क्या आएगा, सिंपल 11 इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर देन 15, तो हम लोग इसका अपोजिट, स्मॉलर का जो है उसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट में लिख रहा हूँ, क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू। सिमिलरली जब ग्रेटर का आप निकालोगे, ध्यान में रखो सिर्फ, इसका अपोजिट क्या आएगा, स्मॉलर और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर का आ जाएगा स्मॉलर और स्मॉलर का आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू आना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या मौजूद है, 11 इज स्मॉलर देन 15, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 11 इज ग्रेटर और इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेशन ऑफ पी स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसका आ गया। अभी कंजंक्शन लिखेंगे, क्या कंजंक्शन है हमारा, और। सिमिलरली निगेशन ऑफ क्यू लिखना है, निगेशन ऑफ क्यू क्या है हमारा, 25 इज ग्रेटर देन 20, तो मैं 25 और 20 लिख देता हूँ, लेकिन ग्रेटर नहीं लिखूंगा, ग्रेटर के अपोजिट, निगेशन है ना अपोजिट, ग्रेटर का अपोजिट क्या है, स्मॉलर और इक्वल टू। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसका निगेशन फाइंड कर लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा क्वेश्चन नंबर 3, आप उसे भी देख लीजिए। थैंक यू।